मैरिज जो है से दू प्रकार के होइ छै, लव मैरिज आर अरेंज मैरिज। हमरा सबके भेले हमरा सबके माय बाप ससुर सब बैस के विवाह करेने छै। तो मेरा भी माता पिता थे, तो मेरे माता पिता नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लड़का के माय बाप अगर अहाँ के शादी करलखिन तो लड़का के माय बाप गलत केलखिन है, जे एक बेटा के एगो विवाह रहन तहन दोसर विवाह। मेरे माता पिता भी थे, इनके इनके तरफ से भी दो चार लोग थे, कौन थे नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ठीक थे नहीं थे ऐसा थोड़ी ना हो जाए। अब हम ककरो संगे थोड़ी ना ब्याह कर लेबे, हमर माय बाप मेरे हस्बैंड थे ना, और कोई नहीं थे। हम ई आरोप हुनकर एफ आई आर पढ़ लियो, हम जे कागज से मिला लियो, ई भाग रहल छथिन अपना आरोप सब, बुझलिए। जे दिन कह रहल छथिन 10 मार्च 2021 के गोविंद कुमार हमरा आबि के घर पर मारले पिटला, ओहि दिन हम से ड्यूटी पर, वही एफ आई आर के जे छै से ऑर्डर इनका भेल छन गलत। अच्छा, फॉल्स केस के गलत ऑर्डर भेल छै, बुझलिए। सबसे पहिल बात ई वएह चीज अब ट्रायल न्यूज जे छै खबर जे छै से बाबू बाबू बड़ी प्रखंड के ही गाँव के जे जतऽ सँ जे छै एकटा खबर जे छै से बहुत तेजी से वायरल भऽ रहल अछि। खबर अछि जे एकटा विवाहिता महिला छथिन, तिनकर कहनाम छनि जे गोविंद मिश्रा आ पीढ़ी गाँव के निवासी छथि, जे आर्मी मे जॉब करै छथि, आ हुनका साथ हिनकर विवाह भेलनि 2020 मे, 3 साल पहिले। आ विवाह के एक साथ हुनका साथ रहला, तकर बाद जे छै से पत्नी होवे के जे छै से ओ गोविंद मिश्रा जी इनकार कऽ देलथि, आ जाहि कारण सँ जे छै से ई लड़ाई लड़ैत अयलथि। बता दी जे गोविंद मिश्रा जी के शादी भऽ चुकल छनि, हिनका साथ दोसर विवाह कहि सकै छियै भेलनि, आ जे हिनका लग सबूत छनि कहि रहल छथि जे उगना महादेव मंदिर मे जे छनि से हुनका साथ विवाह भेलनि, माता पिता संग मे छथिन, ओ फोटो देखा रहल छथिन। सोचऽ वला बात छै जे कि एगो महिला के एतेक हिम्मत हेतै, एगो महिला मे एतेक हिम्मत कतऽ से हेतै, ई हम नहि कहि रहल छी, ई अहाँ खुद भी सोचि सकै छियै जे एकटा महिला किनको घर पर जाकऽ बैस रहथिन जे हमरा फलना विवाह कऽ लेलक है आ हुनका घर पर एते नहि होबाक चाही, किछु महिला मे भी भऽ सकैया, ई हम नहि कहि सकै छी जे के सही छथिन के गलत छथिन। आ सबटा जे छै से दोष पुरुषे के नहि रहै छनि, आ सबटा दोष महिले के नहि रहै छनि। मिश्रा महिला के किछु कनेक्ट छै, ई हम नहि कहि रहल छी, जे कनेक्ट छै ई देखा रहल अछि 18 दिन के एतका नजारा जे छै से देखा रहल अछि। हाईकोर्ट का ऑर्डर पड़ी है कि गोविंद कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, ठीक है। आप ये चीज जो बोल रहे हैं ना कुछ कनेक्ट है, हमारा डॉक्यूमेंट देखिए आप, ठीक है। गोविंद कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है, कनेक्ट मतलब हस्बैंड वाला कनेक्ट है, कनेक्ट मतलब हम ये नहीं, तो ये नहीं बोलिए, हमारा रिलेशन नहीं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है, जिस चीज को आप बोल रहे हैं अरेंज मैरिज भेला। हाँ बिल्कुल अरेंज मैरिज, लड़के लड़का के माय बाप सहमति देने रहे, मेरा मैरिज हुआ है, समझ गए। अरेंज दो प्रकार के होइ छै, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। मैरिज होता है, मैरिज मैरिज होइ छै, लेकिन दो तरह। आप जब जितना कानून आप जानते हैं ना, आपसे बेहतर कानून हम जानते हैं। मैरिज जो है से दो प्रकार के होइ छै, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। हमरा सबके भेले हमरा सबके माय बाप ससुर सब बैस के विवाह करेने छै। तो मेरा भी माता पिता थे, तो मेरे माता पिता नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लड़का के माय बाप अगर अहाँ के शादी करलखिन तो लड़का के माय बाप गलत केलखिन है, जे एकटा बेटा के एगो विवाह रहन तहन दोसर विवाह। मेरे माता पिता भी थे, इनके इनके तरफ से भी दो चार लोग थे, कौन थे नहीं थे हम नहीं जानते हैं, ठीक थे नहीं थे ऐसा थोड़ी ना हो जाए। अब हम ककरो संगे थोड़ी ना ब्याह कर लेबे, हमर माय बाप मेरे हस्बैंड थे ना, और कोई नहीं थे। आप बोलेंगे हम नहीं गए, हम नहीं थे, मेरे हस्बैंड थे ना, बात खत्म है। शब्द पर ध्यान देते उतावला क्यों नहीं, उतावला हमने कर्म किया है मैडम, ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे, जो रिश्ता है कुछ ना कुछ नहीं, गोविंद कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड है और ये मेरा रिश्ता है, तो ऐसा बोलिए आप, मेरा डॉक्यूमेंट देखिए। आ महिला के जे छनि से पूरे 110% का नाम छनि जे गोविंद मिश्रा हिनकर पति छथिन, और पति अगर कोनो पत्नी जे छथिन कोनो विवाहिता महिला अगर पति के लगा रहल छथिन, आ फोटो छनि साक्ष छनि, इहो हम अहाँ सबके देखायब जे दुनू के विवाह भेल छनि, तऽ पति अगर छनि तऽ इहो प्रश्न उठै छै, तहन फेर पति एगो पत्नी के अधिकार किया नहि दऽ रहल छथिन। अगर पति एगो विवाह रहनि दोसर संगे विवाह केलखिन तऽ फेर इहो विवाह किया दोसर लड़की साथ केलखिन, अगर विवाह भेलनि तऽ फेर हम लड़का सब बात करब, अगर जबरदस्ती विवाह करायल गेलनि तऽ समाज थाना हर जगह देलखिन जे हमरा एकरा साथ विवाह भेलै, फिर ई लड़की कहि रहल छथि एक साल, ई महिला कहै छथि एक साल हम लड़का साथ रहलहुँ, तऽ फिर लड़का एक साल किया रहलखिन, बहुत सारा प्रश्न उठैए। हम सब प्रश्नके जे छै से बेराबेरी अहाँ समक्ष जे छै से हम बार बार अहाँ सबके देखायब जे कतऽ तक सही छै। आ महिला फेर बार बार कहै छी जे महिला बिना साक्ष्यके, बिना मजबूतीके आ बिना एते हिम्मतके कोनो भी महिला आरोप तऽ लगा सकै छथि, लेकिन किनको घर पर आबि कऽ सुति नहि सकै छथि। 18 दिनसँ बिना
पानि के बिना खेनाइ के नहि रहि सकै छथि, इहो सोचऽ वाला बात छै। आ विशेष फेर छै से हम आगा समाज मे हुनकर भाई साहब सँ हुनकर पिताजी सँ सबसँ हम पता लगबै छी जे आखिर ई मामला कतेक छै। आओर हम लास्ट मे प्रशासन सँ कहबनि जे प्रशासन सँ अनुरोध करबनि बाबू बड़ी प्रशासन सँ, मधुबनी प्रशासन सँ, जे अपनेक लोक सब आगा बढ़ियो, एहि महिला के साथ जे अन्याय भऽ रहल छै अगर तऽ हुनका न्याय दियबियौ, जे एकटा महिला एकटा लड़का पर आरोप लगा रहल छथिन, की बीच मे सही तथ्य की छै तकरा देखियौ आओर न्याय दियबियौ, जे एकटा ई बैस सुतल छथि भूखे प्यासले तऽ इहो एकटा मानवता के तौर पर सही नहि छै। कोनो मानव भूखल प्यासल सुतल छथि आ लड़ाई लड़ रहल छथि तऽ इहो सही बात नहि छै, तऽ हिनका जे छै प्रशासनिक जे छै से न्याय भेटबाक चाही। धन्यवाद।